हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। गाइज, यहाँ पर इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो SJVN से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों अभी SJVN जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल का, उसमें दोस्तों जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आई हुई थी डिप्लोमा वालों के लिए, जहाँ पर दोस्तों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इत्यादि के लिए और कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसियाँ भी थी। दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के ऊपर वीडियो बनाई है SJVN से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि SJVN का जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी लोगों को लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जान सकते हैं कि आपका SJVN का एग्जाम कब तक हो सकता है। गाइस, जब से मैंने एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट बताई है तो बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं सर इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो एग्जाम पैटर्न उसमें दिया नहीं हुआ, और जो एग्जाम पैटर्न दिया भी हुआ वो इतना कन्फ्यूजिंग है कि कैंडिडेट वहाँ पर अच्छे से समझ नहीं पा रहे कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। गाइज, ऑफिशियल सिलेबस साइट पे है लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं डिटेल में बात करूँगा कि आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या क्या होने वाला है। एक अलग अलग से PDF है इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, जो HR की वैकेंसी है उनके लिए, सभी के लिए दोस्तों अलग अलग PDF है। तो मैं इसी वीडियो में विस्तार में बात करूंगा और आपको PDF के थ्रू दिखाऊंगा भी कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन है। दोस्तों हम हैं SJVN की ऑफिशियल साइट पे और हमारा जो एडवर्टीजमेंट नंबर था जूनियर फील्ड इंजीनियर का वो ये है 95/2021, ठीक है। और इसका लास्ट डेट का जो अप्लाई डेट था वो 24/8/2021 था, मतलब अप्लाई जो करने की जो लास्ट डेट थी वो खत्म हो चुकी है। जैसे ही हम व्यू जॉब डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो न्यू पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे ही दोस्तों आप न्यू पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फील्ड ऑफिसर जूनियर फील्ड इंजीनियर जूनियर फील्ड ऑफिसर ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिक। चलिए मैं एक बार PDF पे थोड़ी सी नजर मार देता हूँ जो सिलेबस को लेकर है, थोड़ा सा उस पर मैं नजर मार देता हूँ, इसके बाद मैं ऑफिशियल सिलेबस आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल के लिए 25 वैकेंसियाँ, सिविल के लिए 30 थी और मैकेनिकल वालों के लिए 20 वैकेंसियाँ थी, और ह्यूमन रिसोर्स HR वालों के लिए इत्यादि के लिए जो नॉन टेक्निकल वैकेंसियाँ थी वो सभी आप देख सकते हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि सिलेबस के बारे में बता दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप सभी लोग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो सिलेबस सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका एक सिंगल टेस्ट होगा, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, आपका एक CBT होगा और उसी हिसाब से जो लिस्ट बनेगी फाइनल उसी हिसाब से कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट सेंटर मैंने आपका बता दिया था कि न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, इन चार जगह आपका टेस्ट सेंटर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो जूनियर फील्ड इंजीनियर का जो सिलेबस था सिर्फ इतना चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन थी कि आपका रिलेवेंट ट्रेड का 70 क्वेश्चन आएगा, बाकी इसके बाद क्या ऑफिशियल लैंग्वेज, इस टाइप के कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर कैंडिडेट्स को लगातार डाउट हो रहा था कि सर ये सिलेबस हमें समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं एक बार ऑफिशियल साइट में ऑफिशियल सिलेबस के बारे में आपको दिखाता हूं कि ऑफिशियल सिलेबस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। यहां पर दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर डिटेल एडवर्टीजमेंट की PDF है इंग्लिश में और हिंदी में। इसके बाद सिलेबस देखिए, फील्ड ऑफिसर सिलेबस, ठीक है, फील्ड ऑफिसर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, जूनियर फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल का सिलेबस है, जूनियर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, जूनियर फील्ड इंजीनियर सिविल का सिलेबस है, ठीक है। ये सभी सिलेबस जूनियर इंजीनियर के हैं और इसी पेज का लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हैं और अपना मनचाहा ट्रेड का सिलेबस, मतलब अगर आपका ट्रेड मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सिविल का ट्रेड है तो सिविल का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में मेंशन है। यहाँ पे दोस्तों मैंने इस सिलेबस को डाउनलोड कर लिया जूनियर फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको हो सकता है मे भी ना पता हो, मे भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो जरूर सुनिएगा। यहाँ पर दोस्तों पार्ट दो पार्ट में होगा, दो घंटे का पेपर होगा, पार्ट वन और पार्ट सेकेंड, टोटल 270 क्वेश्चन आएंगे और दूसरा पार्ट जो 30 क्वेश्चन आएगा। अगर हम पहले पार्ट में बात कर लेते हैं तो ये पूरा डिप्लोमा का सिलेबस है, देख सकते हैं आप कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, और अप्लाइड मैकेनिक्स, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग आएगी और यहाँ पर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग आएगी, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे सिलेबस इंटरप्रेन्योरियल अवेयरनेस, ठीक है, और इसके बाद ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, मतलब ऐसे ये सिलेबस तो
मैक्सिमम लोगों ने सुना ही नहीं होगा, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझ सकते हैं, डिप्लोमा थर्ड ईयर में पढ़ा जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये पीसी मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ये भी एक अजीब सा सिलेबस है। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट, ये दोनों एक नए कवर है आप नए सिलेबस में। पावर जनरेशन एंड सिस्टम प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो दोस्तों आपका रिलेवेंट ट्रेड का सब्जेक्ट होगा, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स आई तो इट मींस आपको 12th स्टैंडर्ड तक की मैथ का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह अप्लाइड फिजिक्स आई तो आपको 12th स्टैंडर्ड तक की फिजिक्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे। अप्लाइड मैकेनिक्स, आई डोंट थिंक कि अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से कोई सब्जेक्ट डिप्लोमा में रहा होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पर इसको भी ऐड करके रखा हुआ है, मतलब बेतू का सिलेबस यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल बना के रखा हुआ है, जहाँ पर पीसी मेंटेनेंस एंड रिपेयर, एक बार आप समझ सकते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट अगर कोर्स में दिया हुआ है तो आजकल की बदलते हुए ट्रेंड में ऐसे सारे क्वेश्चन मैनेजमेंट के पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो सिलेबस है दोस्तों आप देख सकते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, क्योंकि यहाँ पर जब से लोग जेई की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं डिप्लोमा खत्म होने के बाद, वो इतनी अच्छी मैथमेटिक्स उनकी नहीं रह जाती कि वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर पाए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ जैसे पीजीसीएल में आती है या फिर टीएजीसी में मैथमेटिक्स आएगी, कंपटीशन लेवल की जो मैथमेटिक्स है वो अलग है, कंपटीशन लेवल में जल्दी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल पोर्शन भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ही है। पार्ट सेकंड में 20 क्वेश्चन आएंगे जहाँ जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड यहाँ पर बिहेवियरल एप्टीट्यूड, मतलब आपका व्यवहारिक तरीके का क्वेश्चन आएगा, कि व्यवहारिक तरीके का नॉलेज का क्वेश्चन आएगा, कि जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका व्यवहार कल्चर कैसे, टीम मैनेजमेंट कैसा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड बुक है तो एक बार ओवरव्यू जरूर ले लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आप अपनी तर्क शक्ति के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन जो अलग, जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे टेक्निकल के पोर्शन ऐड हुए हैं वो थोड़ा सा हैरानी भरे वाले हैं। PLC, SCADA और माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी तक आप प्रेजेंटली ट्रेंड में जैसा कि देख पा रहे हैं कि लगभग सभी एग्जाम्स में PLC, SCADA और माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसे भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, उस सारी चीज़ों के बारे में ही पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी आपका यही 100 क्वेश्चन का टोटल सिलेबस होगा, 70 टेक्निकल, 30 नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल सिलेबस में इंग्लिश नहीं है, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ, नॉन टेक्निकल सिलेबस में इंग्लिश मेंशन नहीं है। गाइस बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर THDC के एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्तों THDC में मैंने तब से लगातार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। एग्जाम कंडक्टिंग, जहाँ तक मुझे लगातार बात करने या जुड़े रहने पता चला है कि एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो इशू कर रही है, वरना THDC का डिपार्टमेंट तो एग्जाम करने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि THDC, दो तीन लोगों ने कमेंट किया मुझे प्रीवियसली वीडियो में THDC की, कि सर ये THDC की जो जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट थी वो कैंसिल हो गई है। गाइज इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं है, और मैंने जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह या फिर जो भी मेरे रिसोर्सेज है वहाँ पे पता किया तो उन्होंने बोला ऐसा कोई जानकारी तो अभी तक नहीं है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं क्या होता है। अभी वो दोनों मतलब दो तीन चार जो कमेंट आया उसके बारे में हम पूरा बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे वो कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए मैंने शेयर की। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।